संपन्न होने के बाद पर्यावरण पोस्ट की टीम से बात करते हुए उस्ताद फतेह अली खान, सिद्धार्थ बनर्जी और सचिन ने पर्यावरण पोस्ट से क्या कहा, आप भी सुनिए। रागास्पार यमुना में परफॉर्मेंस देने के लिए, अपनी सहभागी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सिद्धार्थ बनर्जी जी। आप यहाँ पर आए, कैसा रहा कार्यक्रम आपके हिसाब से? यमुना खादर, असल में देखिए ये जो आज कार्यक्रम है रागास्पार यमुना, ये हमारा एक परिवार है जिसका सपना था जो आज से शुरू हुआ, और आज यहाँ पे एक ऐतिहासिक जुगलबंदी हुई सिद्धवीना और शहनाई की। और मैं सौभाग्यशाली हूँ, मेरे साथ स्टेज शेयर किया भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब के वंशज उस्ताद फतेह अली खान साहब और तबले पे थे श्री सचिन शर्मा जी। तो हम लोगों ने इस जुगलबंदी को आज पेश किया, और ये जो पूरा प्रयास है इसके पीछे संदेश ये है कि हम माँ यमुना की सुरक्षा, उनकी सफाई और उनके संरक्षण पे हम ध्यान दें, और साथ ही साथ हमने इसमें भारतीय शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत का सहारा लिया। एक्चुअली आप जिस कार्यक्रम के लिए आए वो पर चर्चा का विषय है, सफाई यमुना का जी, यमुना की सफाई के लिए आपने यहाँ पे आने के लिए कोई राशि भी नहीं लिया, ऐसा जानकारी मिली है, लेकिन यमुना की सफाई सेवा है, सेवा है। यमुना की सफाई का भविष्य आप क्या देखते हैं कि कई सालों से सफाई हो रही है, आप कुछ क्या इसमें देख रहे हैं कि आने वाले समय में क्या यमुना साफ हो सकती है? देखिए जीवन में मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में हमारे सामने हमेशा दो रास्ते होते हैं, एक सकारात्मक एक नकारात्मक। मैं ये पूर्ण विश्वास रखता हूँ जिस तरह से ये पूरी टीम, ये पूरा परिवार जिसमें कि अनिल गुप्ता जी हैं, अशोक उपाध्याय जी हैं और भी बहुत हमारे अपने जुड़े हुए हैं, एक छोटे से अंश के रूप में मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, हम लोग जिस तरह से प्रयास कर रहे हैं ये हम लोग सफल होंगे ही, ये पूर्ण विश्वास। छोटा सा